इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में होली के दिन एक बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने पंजाब किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर में रोमांचक जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए थे। दिनेश कार्तिक के आखिरी ओवर में की गई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर 4 विकेट से जीत दर्ज की। विराट कोहली ने शानदार 77 रन की पारी खेली। जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करने वाली पंजाब की टीम को हार का स्वाद चखना पड़ा। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी टीम के लिए कप्तान शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 45 रन की पारी खेली। प्रभसिमरन सिंह ने 25 जबकि आखिरी में आकर शशांक सिंह ने 8 बॉल पर 21 रन की पारी खेलकर टीम को 176 रन तक पहुंचाया। बेंगलोर के लिए ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट चटकाए। विराट कोहली की 50। आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने ब्रेक के बाद जोरदार वापसी की है। दूसरे ही मुकाबले में उन्होंने शानदार 50 जमा दी। पंजाब किंग्स के खिलाफ 177 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम के लिए इस धुरंधर ने 77 रन की बेमिसाल पारी खेल डाली। होली के दिन फैंस को कोहली के बल्ले से 11 चौके और 2 शानदार छक्के देखने को मिले। पारी की शुरुआत करने उतरे इस अनुभवी बैटर ने विकेट गिरने के बाद एक छोर को संभाले रखा और टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया। रोमांचक मुकाबले में मिली जीत। विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद टीम मुश्किल में नजर आ रही थी। 130 रन के स्कोर पर टीम ने 2 विकेट गंवाए। 18 ओवर के बाद टीम को 23 रन की जरूरत थी और ओवर में 13 रन बने। हर्षल पटेल को दिनेश कार्तिक ने छक्का जमाया। आखिरी ओवर में बेंगलोर को 10 रन की जरूरत थी और पहली गेंद पर कार्तिक ने आते ही अर्शदीप सिंह को जोरदार छक्का मारा। दूसरी बॉल वाइड गई और अगले बॉल पर चौके के साथ मैच इस अनुभवी बल्लेबाज ने खत्म कर दिया।